न्यात गांव के दर्जनों किसानों ने आज गोहाना के महम रोड स्थित कार्यकारी अभियंता धर्मवीर सिंह छिकारा के कार्यालय पहुंचकर खेत की बिजली आपूर्ति दो हफ्ते से सुचारू न होने की शिकायत दी। इस दौरान किसानों ने जगत महान संवाददाता से बात करते हुए बताया कि गांव न्यात में खेतों में दो हफ्ते से बिजली सुचारू न होने के कारण उनकी गन्ने और हरे चारे की फसल खराब होने के कगार पर है। इसलिए आज उन्होंने कार्यकारी अभियंता से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की है। वहीं एक्सियन धर्मवीर छिकारा ने बताया कि आंधी के कारण किसानों की बिजली बाधित हुई है। अधिकारियों को सूचित किया गया है, जल्द समाधान किया जाएगा। कौन से गांव से आए हैं? न्यात से जी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? लाइट नहीं आ रही जी, खेता की 15 दिन हो गए। सिर्फ खेत खेत की या गाँव की भी? ना खेत की जी, गाँव की खराब हुई थी, वह ठीक कर दी। खेत की नहीं आ रही जी। कब से? दो हफ्ते से। दो हफ्ते से। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही? 5 मिनट चलती है जी, खेत खेती खराब होने लग रही है। इक्की भी ना जुआर बो सकते हैं, ना भर सकते हैं, कुछ नहीं। तो जितने आप लोग आ रहे हैं सबका एक ही ट्रांसफार्मर कनेक्शन है या सब? ना जी, अलग अलग है सबका। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव में कितने लोगों के कनेक्शन होंगे बिजली से, या सबका ही बिजली से जुड़ रहा है? गाँव में लगभग सबके कनेक्शन है जी, मतलब खेत के। खेत एक तो डोमेस्टिक हो गए कि एग्रीकल्चर के हो गए? ना, एग्रीकल्चर के। अच्छा, तो लाइट को एक्शन साहब से मिले हैं आप? मिले हैं जी, एप्लीकेशन बोली है उन्होंने, उनको ये एप्लीकेशन दे जाएंगे। साहब, ये गामड़ी फीडर के कुछ गामड़ी एपी फीडर के कंज्यूमर थे, किसान थे जी, तो इनकी सप्लाई बंद है आंधी के बाद। हाँ जी। तो कहीं तार उलझ गए होंगे, उनका पता नहीं लगा हमारे आदमियों को, इसलिए ब्रेकडाउन चल रही है। तो अभी आज मैंने बता दिया कि कहाँ पे उलझे हुए हैं। ठीक है। तो मैंने एसडीओ को बता दिया, डायरेक्शन दे दी, भाई उसको सुलझा दो और लाइन को चालू करो। जितनी सप्लाई हम दे सकते हैं उतनी सप्लाई तो हम दे दें। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल की रिपोर्ट।